नमस्कार, जागो जम्मू न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं किरण वर्मा। तो जैसे आप जानते हैं कि हम कोई ना कोई विषय लेके आपके सामने रूबरू होते हैं, आज हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर डेल्फी काउंसिल के बारे में। और इसकी जो जानकारी देने के लिए मेरे साथ इस वक्त हैं इंजीनियर अशोक चौधरी जी, जो प्रेसिडेंट है इस संस्था के। तो उनका हम वेलकम करते हैं। पहले सबसे पहले तो आपका स्वागत है जी। थैंक यू जी, बहुत बहुत धन्यवाद किरण जी, आज आपने हमें निमंत्रण दिया, सो बहुत बहुत शुक्रिया आपका बुलाने के लिए। अशोक जी, आप हमें बताएं कि पिछले 7-8 महीने से आप जम्मू कश्मीर डेल्फी काउंसिल जो है जम्मू कश्मीर में लेके आए हैं, बड़े सारे काम भी किए आपने, तो आने वाले दिनों में आप क्या और आगे लेके जा रहे हैं अपनी इस ऑर्गेनाइजेशन को लेके? किरण जी, ऐसा है कि जो डेल्फी काउंसिल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है, आज की डेट में मैं आपसे ये शेयर करना चाहता हूँ कि ये इंडिया में नंबर 2 पे चल रही है जी। मैं 1 तो नहीं कहूँगा, टर्म नंबर 2 पे चल रही है। और आप समझ सकते हो कि जिस तरीके से आप लोगों ने, चाहे जिस तरीके से पब्लिक ने हमें सहयोग दिया है, और हमारा ये जो डेल्फी काउंसिल जिसको जो आर्ट एंड कल्चर को लेके आगे बढ़ रही है, हम काफ़ी इसमें प्रोग्रेस कर चुके हैं। हाल ही में 30th एंड 1st जो हमारा मे था, इसको जहाँ पे गुड़गांव में एक हमारी फर्स्ट नेशनल डेल्फी काउंसिल जो थी उसकी वहाँ पे मीट हुई थी। और उस मीट में निकल के, उस मीट में क्या था कि सारे लोग जो थे वो पूरे हिंदुस्तान से थे, और जितनी भी हमारी डेल्फी काउंसिल्स थी डिफरेंट स्टेट्स की, वो सारे एक मंच पे वहाँ पे इकट्ठे हुए थे। वो सार्ट ऑफ एक फर्स्ट यू कैन से फिजिकल एक हमारा वहाँ पे मीट था। पहली बार हम सारे लोग मिल रहे थे, क्योंकि कोरोना की वजह से सब वर्चुअल पे ही चल रहे थे। उस कॉन्फ्रेंस में जो हमारा समिट हुआ, उसमें ये बात निकल के सामने आई कि हमें बहुत सा कुछ आगे करने की ज़रूरत है। रही बात कि हम आगे क्या कर रहे हैं, मैं आपको ये बता दूँ कि नेक्स्ट ईयर अक्टूबर 2023 में हम जो हमारी डेल्फी आर्ट है, जिसको हम नेशनल गेम्स बोलते हैं इसकी, अपनी डेल्फी की, वो इंडिया में करवाने जा रहे हैं। और उसमें ऑलरेडी 7 जो है ये गेम्स जो हैं ये हो चुकी हैं डिफरेंट कंट्रीज में, जिसमें हिंदुस्तान का पहली बार ये मुझे लगता है कि हम वहाँ पे ये डेल्फी गेम्स करवाएंगे। और उसमें मेरी तरफ से ये एक स्ट्रेस था, जो वहाँ पे हमारी नेशनल बॉडी थी, इंटरनेशनल डेल्फी काउंसिल के सेक्रेटरी जनरल भी हमारे साथ थे, तो मेरा ये स्ट्रेस था कि किसी तरीके से, क्योंकि जम्मू जो है वो एक डिस्टर्ब, जम्मू एंड कश्मीर डिस्टर्ब एरिया रहा है, और यहाँ पे पीस और प्रॉस्पेरिटी के लिए आर्ट एंड कल्चर जब तक एक लोग माध्यम नहीं बनाएंगे, तब तक हमारा पीस जम्मू एंड कश्मीर में आना मुझे लगता है नामुमकिन है। अशोक जी, मैं एक प्रश्न पूछना चाहूँगा आपसे। जैसे आर्ट एंड कल्चर की आपने बात की, जम्मू कश्मीर में बहुत सारा टैलेंट है हमारे जम्मू कश्मीर में, लद्दाख में चले जाएं, कश्मीर में चले जाएं, हमारे जम्मू में चले जाएं, रूरल एरिया में चले जाएं, तो उसके लिए आपकी जो डेल्फी काउंसिल जम्मू कश्मीर है क्या कर रही है, और आने वाले दिनों में और क्या करने जा रहे हैं आप? उसी चीज़ को मैं, जो पीछे गुड़गांव की मैंने बात की, उसी को आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे एक बात और पहले शेयर करना चाहूँगा, वो ये है कि इसी अक्टूबर की 7th, 8th and 9th को हम श्रीनगर में 2nd नेशनल डेल्फी समिट करवाने जा रहे हैं। उसका हमें वेन्यू भी का भी चयन कर रहा है, और हमारे सारे डेट्स, हॉल्स, दिस एंड दैट, हर चीज़ हमारी वहाँ पे बुक होगी। हम चाहते हैं कि रेस्ट ऑफ द इंडिया के जो लोग हैं वो आके कश्मीर में आके ये देखें कि जम्मू एंड कश्मीर को इस आर्ट एंड कल्चर की कितनी ज़रूरत है। और उसी के बहाने, उसी के माध्यम से मैं लोगों को ये दिखाना चाहता हूँ, रेस्ट ऑफ द इंडिया को उनसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि वो यहाँ पे आएँ, जहाँ के हालात देखें, और हमारा जम्मू में, कश्मीर में और लद्दाख में कितना रिच आर्ट है, कितना रिच कल्चर है, उस चीज़ को मैं, उस जब ये लोग अक्टूबर में आएंगे, उनकी प्रदर्शनी जो है वहाँ पे लगाएंगे, कुछ अच्छे अच्छे आर्टिस्ट से मिलाएंगे, और अच्छे अच्छे जो हमारे कल्चरलिस्ट लोग हैं उनसे मिलाएंगे, लिटरेचर के लोग वहाँ पे मिलाएंगे, और ये इवेंट हम कश्मीर यूनिवर्सिटी में करने जा रहे हैं। वो आप समझ सकते हो कि हमारा इस किस्म का वेन्यू का चयन करना, और कम से कम भी मुझे लगता है 80-90 लोग जो है वो अक्रॉस द इंडिया आएंगे, जिसमें काफ़ी से हमारे IAS ऑफिसर हैं, काफ़ी से हमारे पुलिस के IPS ऑफिसर हैं, और काफ़ी लोग बॉलीवुड से और हॉलीवुड से भी हैं। तो
तो आप समझ सकते हो कि जम्मू कश्मीर किस किस्म का नजरिया लेके आगे चल रहा है। रही बात आपकी जो आपने पूछी है, मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि हम तकरीबन हर डिस्ट्रिक्ट में हमने अपना यूनिट जो है उसको एस्टेब्लिश करने जा रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट की अपनी एक बॉडी होगी, उसका अपना प्रेसिडेंट होगा, उसका अपना वाइस प्रेसिडेंट होगा, ट्रेजरर होगा, फुल फ्लेज्ड बॉडी होगी। और ये वाला जो हम गांव से टैलेंट जो है उस टैलेंट को हंट करेंगे, आर्टिस्ट लोग कहाँ पे बैठे हैं उनकी हमें निशानदेही कर ली है, और कहाँ से किस किस्म का कल्चर जो है, और ख़ासकर वो कल्चर जो कल्चर हमारा ख़त्म होने जा रहा है, उस कल्चर को हम पुनः एक बार रिवाइव करने की कोशिश में हैं। इंजीनियर अशोक चौधरी जी इस वक्त मेरे साथ हैं, डेल्फिन कौंसिल जम्मू कश्मीर के प्रधान हैं ये। तो मैं ये चाहूँगा कि आपके साथ जुड़ने के लिए लोगों को क्या करना चाहिए, कैसे जुड़ना है आपके साथ? वर्मा जी, मैं आपको ये स्पष्ट बता दूँ, जहाँ तक लोगों के जुड़ने की बात है, हमारी वेबसाइट है, यूट्यूब की हमारा चैनल है, और फेसबुक पे भी हम हैं, और उसके बाद मेरा जो नंबर है वो हमारे सारे लोगों के पास हैं जो डिस्ट्रिक्ट्स के लोग हैं। और उसमें जुड़ने के लिए आर्टिस्ट को हमारे पास नहीं आना है, ये मेरा शुरू से एक ये वायदा रहा है आर्टिस्ट से कि हम आर्टिस्ट के पास जाएंगे जहाँ भी वो रहते हैं, और वहाँ पे जाके उनको हम न्योता देंगे, निमंत्रण देंगे, वो हमारे पास आएँ, और उसको हम स्टेट में नहीं बल्कि हम नेशनल में जाके हिंदुस्तान में लेके जाएंगे, और उसको फिर इंटरनेशनल लेके भी हम जाएंगे। तभी तो हम इंटरनेशनल जो डेल्फी अवार्ड है वो हम हिंदुस्तान में नेक्स्ट ईयर करवा रहे हैं, और उसका करवाने का क्या फ़ायदा अगर हम जम्मू से कश्मीर से और लद्दाख से अपने लोग जो हैं उसमें टैलेंटेड लोग ना डालें, तो फिर हमारा डेल्फी काउंसिल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का कोई फ़ायदा नहीं। एक प्रश्न हो रहा है, जैसे इंटरनेशनल डेल्फिन काउंसिल आपने कही, जम्मू कश्मीर की भी है डेल्फिन काउंसिल, तो जैसे आर्टिस्ट लोग हैं बड़े सारे डिपेंड ही इन्हीं कामों पे हैं, जिनको मैं इसी से हम घर चलता है उनका, तो आपकी जो डेल्फिन काउंसिल है उन लोगों के लिए क्या करने जा रही है? किरण जी, बेसिक मुद्दा जो आर्ट एंड कल्चर के लोगों के लिए आता है, मुझे लगता है यही एक विषय है जिसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है, कि वो लोग जिनका कोई रोज़गार नहीं है और वो उनके पास इतना हुनर है, वो अपने हुनर को प्रेजेंट करते हैं, लेकिन उनके रोज़ी रोटी का जो मसला है उसको कैसे लेके जाना है, ये हमारे डेल्फिक काउंसिल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की प्रायोरिटी है। रही बात हम क्या करने जा रहे हैं, मैंने आपको पहले ही कह दिया कि जिस तरीके से आप समझ सकते हो कि पहली बार अगर हिंदुस्तान की कैपिटल में फंक्शन हुआ है, और आने वाले अक्टूबर में कश्मीर एक रिट्रीट के लिए हमने रखा है, चूंकि थोड़ा मौसम भी वहाँ पे इस समय सही होगा, तो वो रखने का आप मेरा नज़रिया सोच सकते हो, ये इसीलिए है ताकि हम आर्टिस्ट को आगे ला सकें। अब रहा उनकी रोज़ी रोटी का, हमारी डेल्फिन काउंसिल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जो है वो ऑलमोस्ट विद इन डेज वो रजिस्टर होने वाली है, जिस दिन रजिस्ट्रेशन हो जाएगी उसके बाद ये बातें मुझे लगता है हमें ज़्यादा अच्छे तरीके से हम आपको इसका जवाब दे पाएंगे। जब भी आपके पास रजिस्ट्रेशन हाथ में होती है और आपके इतने भव्य कलाकार, आपके इतने भव्य आर्टिस्ट लोग जब आपके साथ होते हैं, तो उनकी रोजी रोटी का प्रबंध करना ये डेल्फिक काउंसिल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का एक जो मुद्दा है वो हम उसको लेके इसके ऊपर हम वचनबद्ध हैं, और हम चाहेंगे कि हमारे उन लोगों को किसी न किसी तरीके से खाना भी मुहैया करवाया जाए। इंजीनियर अशोक जी, आपने बहुत अच्छी बातें कही हैं, हम यही दुआ करते हैं कि आपका जो ड्रीम है पूरा हो जल्द से जल्द, जो लोग डिपेंड हैं इसी काम पे को लेके, जैसे आप कह रहे हैं कि हम रजिस्टर हो जाएगी तो हमें बहुत अच्छा हम कर सकते हैं लोगों के लिए, तो हम यही उम्मीद करते हैं कि आपने बड़ी अच्छी जानकारी दी है हमारे दर्शकों को, आर्टिस्ट लोगों को। अंत में आप क्या एक और मैसेज देंगे इन लोगों को अपनी तरफ से? बर्मा साहब, मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि एक एक होता है, दो गहरा होते हैं, जब तक ना हमारे सारे लोग मिलके जम्मू में, कश्मीर में और लद्दाख में हम सारे लोग मिलके एक मंच पे आए, ये मेरी सबसे प्रार्थना है, और अपना अपना टैलेंट जो है उसको बताएं कि वो कितने पावरफुल हैं अपने उस टैलेंट में, ताकि हमें एक चयन करने का मौका मिले, और चयन करने के बाद हम उनको पहले तो डिस्ट्रिक्ट लेवल में, फिर हम स्टेट लेवल में, और उसके बाद उनको नेशनल लेवल में जा सकें। अभी ये बड़ा चूंकि डेल्फिक काउंसिल का किसी को जम्मू कश्मीर में पता नहीं था, मैं सबसे अनुरोध करता हूँ कि डेल्फिक काउंसिल आर्ट एंड कल्चर को लेके
इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है एक जो आगे जा रही है। हमें ये चाहिए कि सारे सबको एक संगठित होकर जहां जहां भी कोई मेरी आवाज सुन रहा है, आपके माध्यम से मीडिया इज द थर्ड पिलर, और अगर मीडिया इसमें अच्छा रोल अदा करेगा तो मुझे लगता है इतनी बड़ी तादाद जो हमारे आर्टिस्ट की है, जो हमारे कल्चरिस्ट लोग हैं, उनको एक आगे आने का एक मौका मिलेगा। और मेरी सबसे विनम्र बनती है कि वो लोग आगे आएं और इस डेल्फिक काउंसिल में आके अपने आप को रजिस्टर करवाएं, और ताकि हम अपने आप को नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट कर सकें। जी धन्यवाद जी आपका, बहुत बहुत शुक्रिया किरण जी। दर्शकों, जैसे आपने सुना कि जम्मू कश्मीर डेल्फिक काउंसिल के इंजीनियर अशोक चौधरी जी थे मेरे साथ, इनका यही मानना है कि जितने भी हमारे जम्मू कश्मीर के आर्टिस्ट हैं एक मंच पे आए ताकि हम आगे बढ़ा सकें अपने इस ऑर्गेनाइजेशन को। ये इंटरनेशनल डेल्फिक काउंसिल है, तो हमें उम्मीद है कि इनकी बातचीत आपको पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे आपको एक नए विषय के साथ। नमस्कार।